गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग की चाय पीने के बाद और किचन के काम को फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो है ये वॉश बेसिन धो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसका जो है वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इसका जो ऑर्गेनाइज भी मैंने किया कि किस तरह से आप इसको अच्छे से जो ऊपर का जो स्लैब होता है शीशे के पास का, उसको कैसे आप अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट रखा है, ये मनी प्लांट का है, ये मैंने घर ही पे बनाया है। जो बालकनी में मेरे जो मनी प्लांट है उसी को मैंने कटिंग करके या पानी में रखा हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ करके रख सकते हैं ताकि जब भी हम ब्रश करें तो हमको वहाँ से 15 से 20 मिनट खड़े रहने पड़ते हैं, ब्रश करें, वॉश और फेस वॉश करें, तो वहाँ का जो थोड़ा सा एरिया है और अच्छा लगे और ये ऑक्सीजन भी हमें अच्छा सा मिलता रहे। तो एक बेस्ट आइडिया है, आप इस तरह से अपना कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैं मेरी बेसिक चीज़ें यहीं पे रहती हैं, फेस वॉश हो गया, फेस पैक हो गया और डिटॉल है एक में। तो इस तरह से आप भी कुछ अपना इस तरह से कर सकते हैं। और ये साइड में जो देख रहे हैं इसमें हम लोग स्टैंड लगवाया है यहाँ पे, तो एक में मेरे और हस्बैंड के ब्रश रहते हैं, बाकी सेकंड वाले में बाकी बच्चों के जो भी बच्चे आते होते हैं तो उनके ब्रश यहाँ पे रहते हैं और मेरा और हस्बैंड का सेपरेट रहता है। तो इस तरह से आप अपना कुछ इस तरह से रख सकते हैं और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है लुक वॉश बेसिन का और एक फ्रेशनेस का अनुभव होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने जो जो चादर मैंने खरीदी थी उलेन चादर, यहाँ पे मैंने उसको बिछाया हुआ है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने मार्केट से क्या क्या लिया और फिर मैं जब इसको बिछाऊँगी तो शेयर करूँगी। तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है ये चादर। और ये मैंने रजाई की कवर भी को भी चेंज किया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तो ये मैंने उलेन के कवर भी लगाए हैं रजाई में। तो बताइएगा मेरा बेड कैसा लग रहा है दोनों चीज़ों को लगाने के बाद। उसके बाद मैं शावर लेने चली जाती हूँ और शावर लेके फिर नाश्ता वगैरह मैंने किया और कुछ घर के एक्स्ट्रा काम थे मैंने फिर उसको किया। और ये 2 बजे का व्यू है, 2 PM का, तो ये हम लोग की लंच है। और मैंने दाल चावल और ये आलू की भुजिया बनाई है और ये वो टमाटर और प्याज का सैलड है। तो जो सब्जी है वो आलू की जो छोटी छोटी सब्जी आलू आती है जो न्यू होती हैं, तो मैंने उसका जीरा का तड़का दे के लगाया बनाया है, बहुत अच्छा लगता है दाल चावल से, एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। और उसके बाद मैं और बाबू लंच किए क्योंकि लंच करने के बाद फिर मैं जो है थोड़ा सा आराम की क्योंकि सर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था मुझे, तो फिर मैं ज़्यादा फिर कुछ नहीं कर पाई और फिर सो गई। आप सब कैसे हैं? और लंच वगैरह करने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि आज इतनी मैं थक गई थी क्योंकि सुबह से ही मैं आज लगी हुई थी और उसी में मैं अपना ब्लॉग भी बना रही थी। तो फिर सो के अभी उठी हूँ मैं, अभी ये 5 PM हो रहे हैं। और ये मैंने बिंदी नहीं लगाया है क्योंकि ये दाने निकल रहे हैं मुझे थोड़े छोटे, तो डॉक्टर को दिखाया था तो होगा, तो इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि दवा लगा के सो गई थी जब से। और देख सकते हैं मेरी हालत अभी कैसी है। और अब चलो मैं चाय वगैरह मैं बनाऊं क्योंकि थोड़ा सा काम करने के बाद जब थोड़ा सा फिटनेस हो जाए तो थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है। क्योंकि जब हम थके रहते हैं और जब हम आराम नहीं करते हैं तो शरीर में एक जो चिड़चिड़ापन होता है वो हो जाता है, सबकी बातें बुरी लगने लगती हैं। तो इससे अच्छा है कि जब आप थकें तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करिए, तो इससे थोड़ा सा आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और जो भी आप वर्क करेंगे वो अच्छे से हो भी पाएगा। तो बस यही है और मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ।
आप लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने यहाँ पे चाय रख दी है, और जब बॉयल आ गए तो मैंने इसमें अदरक को ऐड करके और आँच को जो है वो स्लो कर दिया। और तब तक मेरे कुछ थोड़े से बर्तन थे, मैंने उसको सोचा कि तब तक मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि किचन में रहते हम खड़े रह के कोई भी चीज़ जो है नहीं कर सकते, उसके साथ साथ हम चाहें तो किचन के अदर काम भी उसको कर सकते हैं। तो बस यही है, एक कुकर था और एक दो थालियाँ थी, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ जब तक मेरी चाय पक रही है। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं स्लैब को भी थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में तो मैंने साफ़ किया था, लेकिन जब हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था थोड़ा सा गिर गया था। और जब आप स्लैब पोछिए तो डेली नहीं, एक दिन गैप करके जो स्टैंड होते हैं जिस पे हम लोग गर्म चीज़ रखते हैं तो उसको थोड़ा सा कपड़ा उस पे भी मार देना चाहिए, क्योंकि जब हम उस पे रखते हैं कोई भी चीज़, गर्म चीज़ या कोई भी ऑयली चीज़, तो उस पे चिपक जाती है। तो उस पे जो है कपड़ा मार देने से जो है तेल वगैरह या चाहे जो भी लगा रहता है उससे वो निकल आता है। और ये साथ साथ जो है आप अपने टाइल को भी, जो साइड के टाइल हैं जहाँ पे आप खाना वगैरह बना के रखते हैं, उसको भी डेली बाय डेली क्लीन कर दिया करिए। तो इससे होगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है किचन में जो टाइल वगैरह के लिए है आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से, और यहाँ जो बर्तन जब आप धोते हैं तो विम के छींटे वगैरह जाते हैं तो उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हो गया है सारा, मैंने क्लीन कर दिया है और ये मैंने दूध रखा है बॉयल करने के लिए। अब हम लोग इस चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद यहाँ पे फिर मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि कुछ मैं अपना यूट्यूब का काम कर रही थी, वीडियो वगैरह जो था एडिट कर रही थी, थंबनेल वगैरह बना रही थी डालने के लिए, क्योंकि जो प्रॉपर जो एक यूट्यूबर है वो समझ सकता है कि कितनी जिम्मेदारियां होती हैं घर के काम और प्लस यूट्यूब के। कंप्यूटर में थंबनेल वगैरह बहुत अच्छे से और आसानी से बन जाते हैं, ताकि उसको हम लोग अपने जो थंबनेल है उसको लगा सकें। और जो हम लोग के जो वीडियो होते हैं 10 से 12 15 मिनट के वीडियो, वो हम लोग को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है बस उतने मिनट के लिए, लेकिन जो इस फील्ड में है वही इस चीज़ को समझ सकता है। आप लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने जो इवनिंग के जो वर्क होते हैं उसको फिनिश कर दिया है, और बस अब डिनर बनाना है। तो आज मैं जो है खीरे की जो है सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने अपने चैनल पे कभी पब्लिश नहीं किया, इसका मैं करूंगी, इस ब्लॉग में नहीं आएगा, वो अगले ब्लॉग में आएगा। तो क्योंकि अब मैं इस वीडियो का एंड करूंगी थोड़ा सा बातचीत करके आप लोगों से, और आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया कि आज मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और तो बस यही था मेरा जो रूटीन है मॉर्निंग टू इवनिंग का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और क्योंकि आज मैंने जो है वॉशिंग वगैरह का नहीं शेयर किया है, क्योंकि वही चीज़ें बार बार होती हैं तो आप भी बोर हो जाएंगे। और तो बस जो मेन चीज़ था तो इस ब्लॉग में आज बस वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और तो मैंने सोचा कि इसको मैं शेयर करती हूँ। और जैसा आपने देखा कि चाय मेरी एक तरफ बन रही थी और बाकी मैंने जो अपना वर्क जो हल्का फुल्का था किचन का, मैंने ये कर लिया। तो इस तरह से दो काम फिनिश हो जाते हैं ये, और जो भी है मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं उन्हीं को सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और उन्हें ही सारी चीज़ों को देखना रहता है, करना रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम अभी प्लानिंग के साथ चलें, जो भी कार्य हम करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि घर संभालना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है।
तो बस मैं अपनी हर ब्लॉग में कोई ना कोई टिप्स है और जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और अलग से भी मैं अपने चैनल पे जो है वो टिप्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, किचन से रिलेटेड या पूरे हाउस होल्ड के जो टिप्स होते हैं उसको भी मैंने पब्लिश किया है। और जो पर्दे वगैरह हैं किस तरह से, जो रिंग वाले जो पर्दे होते हैं आप उसको कितनी आसानी से वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। तो समस्या होती है कि जब हम रिंग वाले पर्दे जब हम धोते हैं तो हाथ से धोना पड़ता है और ऐसे करके, तो मैंने इसका जो एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। और हर ब्लॉग में मेरा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहता है किचन से रिलेटेड, और जो भी चीज़ें हैं कपड़ों को लेके, कपड़ों को कैसे आयरन करना है, कैसे रखना है, और क्लोथिंग जो है फोल्ड करना, कपड़ों को कैसे फोल्ड करना, इसका दो तीन वीडियो के पहले गया है वो वीडियो, उलेन का जो जैकेट वगैरह का मैंने शेयर किया है कि कैसे आप उसको कर सकते हैं, कोल्ड कोट को कैसे फोल्ड कर सकते हैं अगर हमको ट्रेवल में जाना है और हमको कोट ले जाना है तो समस्या होती है कि कैसे ले जाएं, क्योंकि पूरा हम उस तरह से ऐसे फैला के तो ले नहीं जा सकते, तो उसको फोल्ड करके ही कितनी आसानी से आप ले जा सकते हैं। तो उसका भी मैंने वीडियो पब्लिश किया है और उसका मैं सेपरेट जो है वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये एक हाउस वाइफ के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि करना तो रहता ही है, कोई भी चीज़ मैनेज करना तो एक हाउस वाइफ को ही करना रहता है। तो अगर चीज़ें हम उसी चीज़ को अगर तरीके से सलीके से करें तो एक हमारे अंदर एक जो होता है ना आत्मविश्वास, तो वो पैदा होता है और जो भी चीज़ें होती हैं और अपने भी खुशी मिलती है कि हाँ चलो मैंने ये अच्छे से कर दिया है, तो परिवार भी सपोर्ट करता है और बाकी लोग भी तारीफ करते हैं। तो बस यही है। और हाँ एक और बात है कि जो भी काम करना चाहिए थोड़ा सा दिल से करना चाहिए, कि ये नहीं कि हाँ चलो करना है तो कर लिया, तो इस तरह से कोई थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए माइंड में। अगर आप कर रहे हैं तो उसको अपना 100% दीजिए, तो उसके बाद देखिए काम का क्या मजा होता है। तो अगर आप हम खुश मन से कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत समय से और सलीके से हो जाते हैं। तो बस, और लाइफ जो है वो जीने के लिए है, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करिए, अपने घर के काम को करिए, अपने परिवार को देखिए, और इस तरह से आप भी अपने अपने लाइफ में इन चीज़ों को अपना सकते हैं, इन टिप्स को अपना सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ऑल पे जो है वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ वो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाए। तो चलिए फिर मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। और हाँ, इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार।